शहबाद में एक विवाहिता महिला को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। अब पीड़िता ने रामपुर पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने कोतवाली शहबाद को जांच करने के आदेश दिए हैं। क्या हुआ आपके साथ? मुझे वो बुलाकर ले गए मेरे मैगे से। कौन? मेरे सोहराद आरिफ। अच्छा। मेरा बुरखा नहीं उतारने दिया उन्होंने। पहले मेरा मोबाइल छीना, जो मेरे पास पैसे थे वो छीन लिए, और जो घर का जो जेवर था सारा वो छीन लिया मेरा, और मुझे मारा पीटा बहुत। फिर अपनी बहन से बोले हुमा से के मट्टी का तेल लेकर आ। वो उन्होंने आरिफ ने पकड़ा, हुमा ने मट्टी का तेल डाला। फिर बोले रुक जा, अभी आग नहीं लगाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुला लूँ। उन्होंने अतीक को और कलवा को, अतीक को और केला को बुला लिया। उन्होंने मेरे साथ बहुत बहुत बदतमीजी की। फिर वो हुमा बोली अभी रुक जा, इन्हें निकाल दे, मैं अब नन्नू को भेजूंगी। उन्होंने नन्नू को भेजा और नन्नू से ही बहुत बदतमीजी करवाई। मैंने कहा देखो मेरे साथ ऐसे बदतमीजी मत करो। वो बोला नन्नू अगर तुम ज़्यादा बोली मैं तुम्हारा भेजा निकाल दूंगा, और बहुत बदतमीजी करी। वो मुरादाबाद वाली जो है वो फरा नहीं क्यों मार मेरे मेरे ये कहते हैं अपने बाप से दुकान दिलवा दे एक। अच्छा। मैं इस दुकान में रह लूंगा, यहीं पे कारोबार करूंगा। मतलब डिमांड करते हैं? हाँ, दुकान दिलवा दे वरना तुझे जान से मार दूंगा। क्या उनके घर वाले जो पुरुष हैं वो भी परेशान करते हैं? हाँ, सब परेशान करते हैं। क्या कहते हैं? सब मारते हैं मुझे, और खाने को बस आधी रोटी हाथ में देते हैं कि ले खा ले। मुरादाबाद वाली जो है वो खरा। वो कौन है? नो नंद है। अच्छा, वो यहीं रहती हैं क्या? हाँ, यहीं कारोबार करवा दिया अपने बहनों का महबूब का।